की विजिलेंस टीम और विद्युत उपकेंद्र चौक के जेई नरेश अग्रवाल के संयुक्त नेतृत्व में चौक में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान चौक में बिजली के बड़े बकायेदारों को चेतावनी दी गई, साथ ही साथ कटिया कनेक्शन तथा बाईपास कनेक्शन से विद्युत चोरी करने वालों का विद्युत कनेक्शन काट कर कार्रवाई की गई। जेई विजिलेंस सुनील कुमार ने बताया कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा आदेश के अनुसार कॉम्बिंग कराया जा रहा है, जिसमें जितने भी कटिया कनेक्शन या बाईपास कनेक्शन है उन कनेक्शन की सघन चेकिंग की जा रही है। जो बिजली चोरी या बाईपास कनेक्शन की अनियमितता से पाई जाती है उससे बिजली अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जांच में यह पाया गया कि बहुत से उपभोक्ता ऐसे हैं कि घर के कनेक्शन का दुकान में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन कनेक्शन को घरेलू से कमर्शियल कराने के लिए फॉर्म दिया जा रहा है। सुबह और शाम बिजली शेड्यूल के अनुसार बिना उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाए लगातार चेकिंग की जाएगी। इसी क्रम में दो लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार हाई लाइन लॉस फीडर एवं विद्युत चोरी रोको संस्थान के अंतर्गत ये संयुक्त टीम है विजिलेंस और स्थानीय उपकेंद्र की टीम के साथ चेकिंग की जा रही है, कॉम्बिंग की जा रही है, जिसमें बकायेदार हो गए एवं विद्युत चोरी अधिभार इसके संबंध में चेकिंग की गई। तो मौके पर जो कार्रवाई मिली है, एक आपके पास में ही राम प्रकाश सिंह सना ज्ञान सिंह, इनका बाईपास में विद्युत चोरी का मुकदमा लिखा जाएगा, विद्युत चोरी कर रहे थे, इनका जो कनेक्शन काट दिया गया है। और एक मोहम्मद इसराइल जनाब फसीर खान चूड़ी मार्केट के पास है, इनका ओवरलोड पाया गया है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। और आगे जो है राजस्व वसूली से संबंधित अभी अभियान लगातार ये जारी रहेगा एवं उपभोक्ताओं को भी संदेश दिया जाएगा कि विद्युत चोरी न करें एवं समय से अपने बिल का उपभोग करें, ताकि जो है उत्तर प्रदेश में एवं अयोध्या क्षेत्र में बेहतर विद्युत आपूर्ति की जा सके। आज देखिए अक्टूबर माह का प्रथम दिन था, ये दो दिन तो छुट्टी थी, आज तीसरे तारीख से आज शुरू हुआ है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जब हमारी विजिलेंस की टीम है और स्थानीय उपकेंद्र की टीम है, महोदय के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है। सुशील कुमार, क्या है सर आप? मैं जेई विजिलेंस हूँ अयोध्या।